तो ये इनका मेस है जहाँ पर पूरा खाना वाना मिलता है और बहुत ही टेस्टी खाना है। हमने कल रात को डिनर किया था, ठीक है। मतलब अगर आप 7 से 8 दिन बाहर का खाना खा खा के तंग आ चुके हैं ना, तो इससे अच्छा घर का खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप चूमा तंग में जरूर स्टे कीजिए, ठीक है, और घर का खाना आपको मिलेगा। वो मैडम बनाती हैं बहुत 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 टेस्टी खाना। मतलब इन्हीं का गेस्ट हाउस भी है, बहुत ही बढ़िया खाना, बिल्कुल आपको घर जैसी फीलिंग आएगा। अंकल, आप ये होम स्टे का नाम क्या है? हम अभी तो बना रहे हैं, नाम नहीं है। अच्छा, नाम नहीं है। तो किसी को पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेगा? वो क्या बोल के पहुंचेगा? नंबर पे। अच्छा ठीक है, नहीं, रेस्टोरेंट था ना हमारा पहले, लमजिंग रेस्टोरेंट, उसके नाम से आते हैं। अच्छा, लमजिंग। हाँ। अच्छा, नहीं खाना तो बहुत अभी ये हो गया जोधपा, ये होगा अभी होगा जोधपा गैस होगा आज होगा ना। ओके, नहीं खाना बहुत अच्छा है जो आज, मतलब इतना घर का खाना ऐसे बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं। मैं बोला ना, जो आएगा दोबारा वो जरूर आएगा, जाते नहीं है मतलब। नहीं, मैं अगर कभी अब जाऊँ ना, ले आऊँ तो यहाँ से वो जरूर जाऊँ मैं। वो मेरा नंबर, ठीक है, थैंक यू। अभी तो एक घंटे बाद खाली करेंगे। उधर कोई बात नहीं, खाली कार बड़ा बजे 2 बजे कल आओ। हाँ, डीसी ऑफिस लेह में ले लिए थे और आज फिर कल सुबह जाएंगे सोमोरी। आप डरा रहे हो, सोमोरी का रास्ता खराब हो रहा है। पूरा कटिंग किया ना, इसीलिए थोड़ा सा खराब है। नहीं, वैसे पेंगोंग जो गए थे ना, उसका रास्ता बहुत खराब था, बहुत ज्यादा। वही जैसा है वो भी। और जो कल जब चांगला क्रॉस कर रहे थे, उसके भी 10 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर बाद बहुत खराब था। और ये हॉट स्प्रिंग जो है, ये कैसे क्रिएट होता है? ये ऐसे आपने 12 महीने रहता है, 12 महीने जितना भी ठंड हो, जितना भी ठंड होगा ना, इसका कोई और नहीं होता। ये तो पूरा उबल है ना, छू नहीं सकते, छू ऐसे ना, ऐसे करो बस, मतलब एकदम गर्म है वो, एकदम उबल है ना। अच्छा, वाटर स्प्रिंग में मेन चीज ये है, ये कमर दराद, घुटना दराद, इनका ये अंदर घुस जाने इधर से। अच्छा, सामने जो ये वाला है, ये वाला पानी यहाँ नाने का, ये है पानी, उधर से निकलता है वो। अच्छा, तो वहाँ कमर दर्द घुटना दर्द क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, दूर तो रहा, इसलिए तो हम इतना दूर से आ रहा है, गारंटी ये सीख देने आ रहे हैं। अच्छा बताओ, इसका सेक ले लो बस। हाँ, क्या ये है ना नाने का, उसमें पानी भरो और बैठ जाओ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लद्दाख से ही है। अच्छा, लद्दाख से ही है। हम उधर नीचे खर्चे से का इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, खर्चे वो गरम है। हाँ, इतना भी नहीं है, मतलब जितना हमारा तो नहीं है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि देर रात हम लोग चूमा तंग पहुँच गए थे और अभी हो गई है सुबह, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकले हैं। रात को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ लग रहा है कितना प्यारा प्लेस है, कितना प्यारा विलेज है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाटर भी है और ये पानी उबलने की भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ये ज़मीन में पानी उबल रहा है और ये जो पानी है वो अलग अलग बीमारियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाँ, और तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप खारू से आगे बढ़ें हालने जाने के लिए, तो आप इस प्लेस पे रुक सकते हैं। मतलब आप खारू में रुकने की जगह इस प्लेस पे रुकिए, विलेज वाली फीलिंग आएगी आपको, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और एक विलेज लाइफ आप जी पाएंगे। और अभी हमारा टारगेट ये है कि हम हालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हालने यहाँ से लगभग 3 आवर्स का रास्ता दिखा रहा है। हाँ।
तो अभी हम आपको पूरा हालने का व्यू भी शो करेंगे, हालने का पूरा जो रास्ता है वो भी यहाँ पर आपको शो करेंगे। और कल रात को जिस होटल में हम रुके थे उसका हम डिटेल भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लगा। स्पेशली इनका जो बिहेवियर है, इतने प्यार से इन्होंने हमें रात को डिनर करवाया, ब्रेकफास्ट करवाया, मतलब ऐसी फीलिंग हमें यहाँ पे फिलहाल तो अभी तक नहीं आई थी। अभी पहली बार ही हमें ऐसा लगा एकदम फैमिली जैसे इन्होंने हमें प्यार से डिनर और ब्रेकफास्ट कराया, तो बहुत अच्छा लगा। मेन बात ये है ना, अभी तक हम ज़्यादा ना कमर्शलाइज प्लेस में गए थे, मतलब जो ज़्यादा टूरिस्टिक होते हैं, फर्स्ट टाइम हमें मजबूरी में रुकना पड़ा विलेज में, और वाकई में विलेज के लोगों का प्यार अलग ही होता है, किसी भी कमर्शलाइज प्लेस में ऐसा प्यार आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हालडे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम निकल चुके हैं हालडे की तरफ, चुमातांग को पीछे छोड़ते हुए, क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर कल जिस रोड से आए थे, देखिए अब आपको समझ में आएगा हम किस टाइप की रोड से कल रात को आखिरी के 10 किलोमीटर ट्रैवल किए थे, इसी कारण हमारी जान और निकल गई थी। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, आखिरी के 10 किलोमीटर ख़राब थे चुमातांग तक, और उसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि 20 से 30 किलोमीटर और ख़राब है। यहीं से निकाल लो क्या पानी से, हैं पानी से निकाल लो क्या, हैं हैं ओके ओके निकल गए। एक्चुअल में जब बाइक स्लो होती है ना, सामान इतना ज़्यादा है कि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हम इतने हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, चुमातांग में भी बताया जा रहा है कि 13,500 फीट है, अभी हालडे लगभग 15,000 है, तो इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में हम रहते हैं ना कि थोड़ा भी अगर थोड़ा एफर्ट कर लिया जाए ना तो सांस फूल जाती है बहुत तगड़ी वाली। एक्चुअल में यहाँ पर स्पीड 10-20 की बन रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप बोलेंगे इतने हाई एल्टीट्यूड में, सितंबर लगभग अब एंड होने को आ रहा है और इतनी गर्मी, यस इतनी ही गर्मी लग रही है। जब तक वो स्पीड नहीं बनेगी बाइक की, बैग अटक गया हमारा। ओके, एक तरफ बड़ा पत्थर, दूसरी तरफ पानी, निकालना था मुश्किल, सैडल बैग गया अटक और हम गए निकल। वाह वाह वाह, ओके अब तो और बड़ा आ गया क्यों हैं? नहीं साइड से जाना पड़ेगा है ना, रिस्क कौन लेगा क्यों है कि नहीं। रास्ता मतलब खराब होता ही चला जा रहा है, किधर उधर से एक है, हाँ गलत लग रहा है, हाँ कल रात को भी यही हुआ था बट अभी तो दिख रहा है, चलो बट इधर ही सब डरा हुआ है, कैसे जाएंगे इधर, वो खड़ी नहीं गाड़ी, ओहो नहीं इधर नहीं है राजा रास्ता है ना, इधर से नहीं है, पीछे से ही है, जहाँ जा रहे थे वही सही था, ये तोड़ दिए हैं रास्ते को क्योंकि रोड बन रही है ना। आई थिंक ये 2-3 सालों में ना आप देखेंगे पूरी रोड बन जाएगी जिस गति से काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो रोड बन रही होती है उसमें जब खुद को ड्राइव करना पड़ता है ना तो हालत बैंड हो जाती है, रास्ते टूट जाते हैं, फिर आपको अदर वेज लेने पड़ते हैं, बट ठीक है थोड़ा एडवेंचर तो चाहिए भी। ओके देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या, शायद वहाँ से है कनेक्टिविटी। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद बाइक पे
रोड थोड़ी सी ठीक हो गई, अब मतलब रोड आ गई। और हमने सुना है कि लोमा के बाद रोड बहुत अच्छी है हानले तक की। देखो वैसे तो लोकस जो बोलते हैं सही रहता है बिल्कुल, ठीक है, आप इंटरनेट से कितना भी सर्च करके आ जाओ, जो ऑन द स्पॉट जो वर्क चल रहा है वो आपको लोकली बता सकते हैं। तो टोटल आप ये मान के चलिए कि 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ख़राब है चूमा तांग से 10 किलोमीटर पहले और चूमा तांग से 10 किलोमीटर बाद। बीच बीच में और भी ऐसे रास्ते आएंगे जैसे अभी आया है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा पैच है ये। ओ हो हो भगवान, हो गया हो गया हो गया हो गया। हेलो, तो यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, रोड की कंडीशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ साथ में दो दिन से हमें टावर नहीं मिल रहा है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा। कुछ टाइम के लिए मिला था कारू साइड जब हम आए थे, तो अदरवाइज जब हम पेंगोंग गए तो वहाँ भी जैसे हम आगे बढ़े थे नुब्रा वैली से 30-40 किलोमीटर हमें नेटवर्क मिलना बंद हो गया था एयरटेल का। और उसके अलावा जब हम वापस आ रहे थे कल के दिन में, तो जब हम कारू पहुँचे थे पेंगोंग से, तो उस टाइम 10-20 किलोमीटर का हमें नेटवर्क मिला एंड इसके बाद फिर से नेटवर्क बिल्कुल बंद हो गया है। और हमने ऐसे सुना है कि शायद हानले में भी हमें नेटवर्क नहीं मिलेगा, चूमा तांग में भी नहीं मिला था, कहीं नहीं मिला था, मतलब सिर्फ कारू में मिला था। तो अब आगे भी शायद हमें नेटवर्क ना मिले। और एक्चुअल में आज हर्षा के पापा का बर्थडे है तो वो विश करने के लिए बिल्कुल तड़फ रही है और नेटवर्क कहीं मिल नहीं रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जब हानले जाएंगे गेस्ट हाउस में एक बार पता करेंगे, अगर वो हमें एक फ़ोन अलाउ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और पॉइंट है, इस पूरे रास्ते में ना जो ये आपका हानले तक का रास्ता है अभी तक जो हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ना आपको नॉर्मल व्हीकल्स बिल्कुल ना के बराबर मिलने वाले हैं, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब 15-20 मिनट में शायद एक गाड़ी निकल जाए तो निकल जाए। जो भी आपको गाड़ियाँ दिखेंगी वो सिर्फ आपको सेना की गाड़ी ही दिखेगी, ठीक है, बाकी आपको नॉर्मल व्हीकल्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा रूट आइसोलेटेड है, लेकिन यस भारतीय सेना दिखाई देते रहती है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है, सेफ्टी फुल लगती है। और ये भी पता होता है कि अगर हम कहीं फंस गए तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हमारी पुलिस चेक पोस्ट माहे पे पूरी चेकिंग हुई और हमें ना किसी भी चेक पोस्ट में जो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा वो यही मिला, मतलब दो मैम थी और एक सर थे, उन लोग कलिंदर खा रहे थे। कलिंदर को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन, वाटर हम लोग कलिंदर बोलते हैं एक्चुअल में, तो वाटरमेलन खा रहे थे। बिलीव मी, मतलब इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे वो लोग कि हमको इतनी ज़्यादा जिद करके उन्हें वाटरमेलन खिलाया, दो दो पीस खिलाए और मज़ा आ गया बिल्कुल। और उनका बिहेवियर इतना बढ़िया था ना, हम 10-15 मिनट बस वहीं रुक गए, हमने शूट नहीं किया उस मूवमेंट को, हमने सिर्फ वाटरमेलन जो हम खा रहे थे उसको शूट किया, क्योंकि आप जो चेक पोस्ट वगैरह रहती है वहाँ पे शूटिंग करना मुझे नहीं लगता ठीक है। बट ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपकी चेकिंग होगी माहे ब्रिज पे कंप्लीट, वो आपका परमिट देखेंगे और कुछ कुछ वो उसमें लिखेंगे और उसके बाद वो आपको आगे जाने देंगे। एक पॉइंट और है, वहाँ पे वो आपका परमिट जमा करने के लिए बोलेंगे आपको, तो एक बात ध्यान रखिएगा उस परमिट की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए जो कि आपने ले ऑफिस से स्टैम्प लगवाया होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो उनको बता दीजिएगा, फिर वो आपकी मैनुअल एंट्री करके आपको परमिट वापस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका आगे भी चेकिंग होना है तो इस पॉइंट को जरूर से ध्यान में रखिएगा। अब हो गई है रोड शानदार, माहे ब्रिज को क्रॉस जैसी करेंगे 2-3 किलोमीटर के बाद इतनी बढ़िया रोड हो जाएगी और लैंडस्केप ना ब्यूटीफुल हो जाएगा ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने नहीं की थी। वाह यार कितना सुंदर है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो मेरे राइट साइड में, कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। लेफ्ट साइड में आपको रेत के पहाड़ नजर आ रहे होंगे, ऐसे लग रहा है जैसे रेत के पहाड़ है और है भी शायद। व्हाट अ डिसीजन यार, हानले जाने का डिसीजन बहुत बढ़िया था और अभी तक का सबसे 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 बढ़िया जो बोल सकते हो आप लोग सफर है वो यही रहा हमारा।
ओफ ओफ, मतलब यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि हर एक किलोमीटर में कुछ ना कुछ न्यू दिखाई दे रहा है। बिलीव मी आफ्टर लोमा, सॉरी आफ्टर माहे चेक पोस्ट, मतलब गजब 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 की रोड है और गजब 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 के व्यूज हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी न्योमा क्रॉस किया है और यहाँ से अब लोमा शो हो रहा है 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो न्योमा है वहाँ पर आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर ATM भी अवेलेबल था हमने अभी देखा है, तो न्योमा में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अब हम लोमा की तरफ है, तो ये पूरा रूट ही आपका यही है, ठीक है ना। खारू से हमने स्टार्ट किया, फिर चूमातांग, उसके बाद आपका माहे ब्रिज, उसके बाद आपका न्योमा, अब लोमा, उसके बाद हानले। बहुत ही खुश था मैं, तो भगवान जी ने बोला अब चल 5 किलोमीटर थोड़ा सा स्ट्रगल झेल ले। 2 किलोमीटर हो चुके हैं ऐसी रोड में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब 10 या 15 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं, बाइक बार बार फिसल रही है। एक्चुअल में रोड यहाँ पे काम चल रहा है बहुत जगह बनने का, इसलिए ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से हमें 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं लोमा के लिए, एक तो अभी एक रास्ते नहीं, पर दो नहीं, एक ही है सही, मतलब एक ही सही है लेकिन 2 रास्ते बने हुए। अब समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है क्योंकि GPS वर्क नहीं कर रहा, तो अभी हम लोग लगता है गलत में आ गए, अब फिर से पलट के हम उस रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मैं भी वो वाला रास्ता होगा। और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब 5 किलोमीटर जो है बड़ी मुश्किल से कटे हैं। तो DC ऑफिस से जो मैंने स्टाम्प लगवाया था परमिट पे, वो परमिट मैंने यहाँ पर लोमा चेक पोस्ट पे सबमिट कर दिया है। वैसे उन्होंने बोला था अगर आप फोटोकॉपी रखते तो बेटर रहता, ओरिजिनल आप खुद ही रख लेते अपने पास, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आप ओरिजिनल मेरे पास सबमिट कर दीजिए और जो फोटोकॉपी है आप एक काम कीजिए कि आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। तो मैंने अपना परमिट तो सबमिट कर दिया है वहाँ पर और अब आगे बढ़ गए लोमा से, और अभी तक रोड ठीक नहीं हो पाई है, अभी भी रोड ख़राब ही नज़र आ रही है, देखो अब कितने टाइम तक रोड ख़राब रहती है यहाँ पर। तो लोमा चेक पोस्ट के बाद रोड जो है कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छी हो चुकी है और फिर से नज़ारे जो हैं वो बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। हालांकि यहाँ से अब टोटल 40 किलोमीटर शो हो रहा है, आई होप मैं 1 आवर के अंदर अंदर ही पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पर मतलब बिल्कुल चारों तरफ सिर्फ नज़ारे हैं और बीच में रोड गई हुई है, 60-70 की स्पीड मेंटेन हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर्ष और मैं शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं एक बेहतरीन वाला, देखो ले पाते कि नहीं, एक और ट्राई ले रहे हैं हम लोग, ये हमारा 4th ट्राई है। हालले तो हम लोग पहुंच चुके हैं लेकिन अब 2-3 रास्ते शो हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि जाए कहाँ। ट्राई करते हैं, आज तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए, वैसे 2:30 बजे ही अपने डेस्टिनेशन में आ गए हैं। वेलकम, ओके, हालले ये है, एक बार कोई आ रहे हैं उनसे का पूछ लेते हैं। सर हाल ले यही है, हाल ले, हाल ले, हाल ले, हाँ जी सर, ये होम स्टे वगैरह जो होटल वगैरह होंगे उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, और कोई चेकिंग करे तो नहीं जाना है यहाँ? चेकिंग कुछ नहीं है, लास्ट ही है। अच्छा वहाँ चले जाए ना, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। Woo!
वी आर कमिंग। सो इंटेलिजेंस ट्रैवल टॉक इन हॉलिडे।